हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं अपने रोज में कुछ फर्टिलाइजर ऐड करने वाली हूँ, साथ में कुछ केयर भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो लगभग हाफ के जी के लगभग मैंने ये वर्मी कंपोस्ट ले ली है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे, जैसे एक प्लांट के हिसाब से, एक चम्मच के हिसाब से हम लेंगे। तो मतलब कि हर चीज़ की क्वांटिटी, दो दो चम्मच वर्मी कंपोस्ट, एक चम्मच नीम की खली, एक चम्मच बोन मील, इस प्रोसेस मतलब इस रेशियो से हम अपने उसमें प्लांट में ऐड करेंगे। तो मेरे पास 10-12 प्लांट हैं गुलाब के, तो ये देखिए 10-12 चम्मच के लगभग मैंने नीम की खली ले ली है और इसी तरीके से मैं बोन मील भी ले लूँगी। ये देखिए लगभग एक एक चम्मच के हिसाब से हम बोन मील भी ले लेंगे। तो ये बोन मील मैंने नीम की खली और बोन मील लगभग एक बराबर ही ली है, बोन मील थोड़ी सी कम है उससे, और इतना हमने ले लिया। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा, ये हमारे पास ऑर्गेनिक पोटास है तो इसको भी थोड़ी सी मात्रा में ले लेंगे। लगभग आधा आधा चम्मच से कम ही डालना है एक प्लांट में, तो उसके हिसाब से ये हमने पोटास ले ली। और बस इतना ही फर्टिलाइजर हम अपने प्लांट में देंगे। अभी आप इसमें चाहे तो सिंगल सुपर फास्फेट भी मिला सकते हैं जो पाउडर फॉर्म में है, ग्रेन्यूल भी चाहे तो मिला सकते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा इसकी मात्रा भी ले लेते हैं। इससे ना प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, साथ में फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं आपको अभी चलिए रिजल्ट दिखाऊंगी, मैंने ग्रेन्यूल में दिया था इससे पहले। तो ये हमने ले लिया, इसमें थोड़ा सा हम डाल लेंगे फंगीसाइड पाउडर, क्योंकि गुलाब को भी फंगस बहुत लगता है, तो बीच बीच में थोड़ा बहुत फंगीसाइड हमको मिक्स करते रहना। इस फर्टिलाइजर को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए इस बास्केट में मैं इसको मिक्स कर लूँगी, क्योंकि ऐसे मिक्स करते नहीं बनेगा ये। तो चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं। पूरा फर्टिलाइजर और उसके बाद हम प्लांट में थोड़ा थोड़ा सब में डाल देंगे। रोज प्लांट एक हैवी फीडर प्लांट होता है, तो उसको फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती है। और ये देखिए अच्छे से हमने मिला लिया। तो लगभग 15-20 दिन में, मैंने तो लगभग 1-1.5 महीने पहले दिया था फर्टिलाइजर। और ये देखिए हमारे घर के छोटे मेंबर, तो आपको रोज प्लांट अपने दिखा दूँ। ये देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही हैवी क्वांटिटी में इनमें फ्लावरिंग हो रही है। इनके जो बसल सूट्स निकल निकल के आ रहे हैं, जो न्यू, ये देखिए मैंने इससे पहले यही सारा फर्टिलाइजर मिक्स करके दिया था। अब फूलों का साइज़ देखिए, कोई बहुत ज़्यादा हाइब्रिड वेराइटी नहीं है, पर फूलों के साइज देखिए जैसे एकदम बिग साइज़ के फूल हैं। और इस ब्रांच पे यहाँ से पूरा बंचेस में ये आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कलियाँ आई हैं और एक फ्लावर खिल चुका है। यहाँ देखिए ये दूसरा प्लांट है, दोनों लगभग सेम वेराइटी से दिख रहे हैं, अलग अलग मैंने आगे पीछे लिया था इसलिए कलर एक जैसे हो गए। ये मेरा प्लांट काफ़ी पुराना है, लगभग 4 साल पुराना, 3 साल पुराना है, और ये वाले प्लांट मेरे 2 साल पुराने हैं। ये प्लांट मेरा वही 3 साल के लगभग ये भी है। और इधर देखेंगे तो ये वाले देखिए बहुत ही सुंदर से प्लांट हैं, कुछ फूल सारे गिर गए। कल मैंने बहुत सारे के ऊपर से फूल कट कर दिया है, क्योंकि नीचे देखिए न्यू ग्रोथ भी सब में शुरू हो चुकी थी, मैंने फ्लावर नहीं कट किए थे। ये देखिए सभी में न्यू ग्रोथ हो गई है और सीजर लेके आना था। ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जितने भी पुराने फूल हैं आप उनको कट करके हटा दीजिए, तभी आपके प्लांट बहुत अच्छे से खिलेंगे। ये देखिए ये ब्रांच इधर टूट गई है, देखिए इन्हीं बच्चों ने कुछ छेड़खानी की होगी, देखिए कैसे खेल रहे हैं वहाँ पर। और दो हैं इसलिए दोनों आपस में बहुत अच्छे से खेलते रहते हैं। ये देखिए फूल सूखे फूलों को ना यहाँ से थोड़ा सा 2-3 पत्तियाँ लेकर के यहाँ से कट कर दीजिए। अभी मैं सिर्फ फ्लावर हटा रही हूँ, क्योंकि मैं सीजर लेकर के नहीं आई हूँ, तो मैं सिर्फ एक एक नोट, क्योंकि नीचे वाला मेरे हाथ से ऐसे कटेगा नहीं, और हाथ से कट भी नहीं करना है आपको, सीजर या कटर से ही इसको कट करना है। तो देखिए रेड कलर के तो कई सारे मेरे पास रोजेस हैं, बहुत सारे, थोड़ा थोड़ा कलर में अंतर है। ये वाला बहुत प्यारा है, ये देखिए पहले ऐसा खिलता है और फिर धीरे धीरे ऐसा डार्क कलर हो जाता है, या फिर वो थोड़ा लाइट ही खिला है ऐसा खिलता है। ये देखिए ऐसा खिलता है और ऐसा, और ये थोड़ा सा ज़्यादा ही पीला खिला हुआ है। अब चलिए आपको फर्टिलाइज़र देना बता देती हूँ। वैसे पता है आप लोगों को फर्टिलाइज़र कैसे देना है, पर फिर भी हर महीने में कम से कम एक बार ज़रूर दीजिए इस फर्टिलाइज़र को आप। और वीड्स वगैरह हों तो उनको निकाल लीजिए गमले से। मेरे गार्डन में तो भृंगराज बहुत ज़्यादा ग्रो होता है, ये वैसे तो बहुत ही
अच्छी जड़ी बूटी है, औषधि है, मतलब हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा काम करता है ये। और ये देखिए, एक गमले को निकालते हैं, यहाँ पर स्पेस की कमी हो जाती है थोड़ी सी, थोड़ा सा गुड़ाई करेंगे इसको हम। गिरते पड़ते काम करना पड़ता है यहाँ पे। सूखे हुए पत्ते वगैरह हैं उनको आप हटा लीजिए। देखिए मिट्टी ड्राई है, फर्टिलाइजर दीजिए, मिट्टी थोड़ी सी सूखी रहे, बहुत ज़्यादा गीली ना रहे। देखिए इसमें जो रूट्स है ना, बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रही हैं। देखिए आपको वाइट वाइट से रूट्स दिख रहे हैं, ये फाइबर रूट्स होती हैं, यही भोजन देती हैं प्लांट को। इसकी आपको कटिंग नहीं करनी होती, इसके आप बस सूखे फूलों को आप हटा लीजिए। इस प्लांट को मिनेचर रोज होता है, बटन रोज भी कहते हैं इसको, बहुत हैवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग करता है ये। और देखिए सूखे फूल फिर से गिर गए। तो अच्छे से मिक्स करके हम ये चम्मच, एक एक चम्मच भर के, मतलब एक एक चम्मच नहीं, ये ऐसा इतना इतना फर्टिलाइजर हम अपने प्लांट में दे के अच्छे से गुड़ाई कर देंगे। ये देखिए ये, इसके बाद पानी दे दूंगी मैं। पानी देना था इसीलिए मैंने सोचा सुबह सुबह ही कर लेती हूँ, क्योंकि शाम को फिर अभी पानी दे देती। और ये देखिए इन्होंने क्या किया है, इन बच्चों ने किया है, मुझसे ही हो गया। ये देखिए हमें कितने सारे बसल सूट निकल रहे हैं, लेकिन ये टूट गया, पता नहीं मेरी गलती से टूट गया या फिर कितना प्यारा निकला हुआ था, शायद इन्होंने इधर उधर उधम मचाई है ना, इसी वजह से टूट गया ये। और दो निकल रहे थे, एक इधर से निकल रहा है, एक इधर से निकल रहा है, कितने सुंदर। बहुत सारे प्लांट में इस समय बसल सूट निकल रहे हैं। और यहाँ से देखिए थोड़ा सा डाई बैग भी हुआ है, ये ब्रांच भी डाई बैग हो गई है, इसको मैं कटर से ला करके कट कर दूंगी, क्योंकि ऐसे भी कट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए तोड़ दिया मैंने, नीचे से डाई बैग हो गया था पूरा। तो ये फर्टिलाइजर हम इसमें भी डाल देंगे, इसकी मिट्टी गीली है थोड़ी सी, कल बहुत ज़्यादा ड्राई था तो मैंने शायद शाम को इसको पानी दे दिया था, और इसकी मिट्टी सूखी हुई। गमले पूरे भर चुके हैं, रिपोर्टिंग मैंने 2 साल से नहीं की, मतलब 2 साल हो गया इनको लगाए हुए इसी गमले में। और थोड़ी सी मिट्टी हम इसकी निकाल लेंगे तभी फर्टिलाइजर देते बनेगा, नहीं तो जगह ही नहीं है इसमें। तो चलिए कहाँ पे रखते हैं मिट्टी को, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। अब पानी देते समय सारा फर्टिलाइजर बाहर निकल के चला जाएगा, तो ज़रूरी है थोड़ा सा। ये देखिए इस तरह से डाल दिया हमने पानी, थोड़ा सावधानी से दूंगी, अब कर भी कह सकती हूँ। एक ये देखिए, ये ब्लैक रोज, ब्लैक मतलब मरून रोज है। और सारे सूखे हुए फूल आपको हटा देने हैं प्लांट से, जितनी ज़्यादा फ्लावरिंग अगर आपको चाहिए तो पुराने फूलों को प्लांट में लगे मत रहने दीजिए, उनको आप टाइम टू टाइम कट करते रहिए, उससे आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी, साथ में वो फ्लावरिंग भी समय समय पर बहुत अच्छे से करता रहेगा। आप देख रहे हैं कितने सुंदर गुलाब खिल रहे हैं, मैं तो थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ, मैं तो इतनी ज़्यादा केयर करती भी नहीं हूँ, जितना आप लोगों को बताती हूँ उतना भी नहीं कर पाती हूँ। पर आप लोग ध्यान दीजिए, अगर आप लोग गुलाब के शौकीन हैं, थोड़ा सा केयर मांगता है गुलाब का प्लांट। और मेरे पास तो आपको पता ही है सभी का कलेक्शन इतना ज़्यादा है कि सब पे ध्यान देना थोड़ा सा आगे पीछे हो ही जाता है, कितना भी हम सोचें कि टाइम से कर दे काम, लेकिन नहीं हो पाता, पॉसिबल ही नहीं होता है। तो कब से देते देते लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया इसको फर्टिलाइजर दिए हुए, और बीच में मैंने थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइजर दिया था, ये उसका मस्टर्ड केक का, तो वही दिया था उसके पहले, और बाद में फिर कोई भी फर्टिलाइजर नहीं दिया है। तो ये देखिए इस तरह से हम डाल देंगे इनमें। तो बस फ्रेंड्स, सब मैं डाल दूंगी, मैं इसी तरह से सबको दिखाती रहूंगी, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप लोग भी फर्टिलाइजर भी दीजिए एक बार कम से कम, गर्मियों के 2 महीने में जो मई और जून का महीना होता है, अप्रैल से मैं अपने सभी प्लांट को फर्टिलाइजर देना बंद कर देती हूँ। अभी मार्च तक दूंगी, मतलब अभी फरवरी में दे दिया है ना, 15 मार्च तक एक बार फिर से दे दूंगी, उसके बाद मैं फिर कोई फर्टिलाइजर गर्मियों में नहीं देती हूँ प्लांट में, बस इन्हें पानी दूंगी, पानी की सावरिंग करूंगी और इसी तरह से केयर करती हूँ। और टाइम टू टाइम इसकी प्रूनिंग आप ज़रूर करते रहिए, ताकि आपके जो पुराने मतलब इस तरह से सूखे फूल हैं ना, उनको आप ज़रूर हटाते रहिए, उससे आपके जो न्यू सूट्स हैं जल्दी निकल करके आएंगे, नहीं तो इसमें सीड बनने लगते हैं और सीड एनर्जी को बहुत ज़्यादा सक करते हैं, इसलिए फिर प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो मैं ये ऊपर ऊपर का हटा लेती हूँ, कहीं फिर भूल गई तो ये पड़ा रह जाएगा, इसलिए मैं अभी बाद में जब भी याद आएगा तो सीजर ला के इसको यहाँ से कट कर दूँगी। तो आप लोग सीजर से ही कट कीजिएगा, देखिए कितने सारे फूल नीचे झड़ गए, जो सूख चुके हैं फूल वो इस तरह से नीचे गिर जाती है, ये भी देखिए सूख चुका था। तो बस फ्रेंड्स, साथ में इंसेक्टिसाइड और
जो फंगीसाइड है उसका भी स्प्रे आप करते रहिए। मैंने नेटियो का फंगीसाइड जो था ना अपने कैलेंचो में किया था, इसमें भी किया था, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मतलब मिला है इनको भी। बहुत अच्छे से प्लांट हेल्दी, देखिए कितनी सुंदर इनकी पत्तियां हैं और बहुत ही हेल्दी से प्लांट है। न्यू ग्रोथ जब भी निकलती है तो उसमें एफिड्स का अटैक बहुत जल्दी, सॉरी माइट्स का अटैक बहुत जल्दी होता है। तो आप फंगीसाइड और इंसेक्टीसाइड का बिल्कुल ध्यान रखिए। और ये वाली बर्ड्स देखिए थोड़ी सी बर्न हो गई है, पता नहीं क्या रीज़न है, शायद धूप तेज की वजह से होगा या फिर ठंड, इस समय ठंड भी बढ़ गई है थोड़ी सी हमारे यहाँ। तो इस तरह से, तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।